हेलो एंड वेलकम इंग्लिश लर्नर। यह इजी एंड इफेक्टिव इंग्लिश है जो आपको इजी एंड इफेक्टिव मेथड से इंग्लिश सीखने में हेल्प करता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ना अनिवार्य है। बट इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेकेंड लैंग्वेज होने से हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस अधिक समझ नहीं आते और इन्हें याद रखना अ हार्ड नट टू क्रैक लगता है। बट इजी एंड इफेक्टिव इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम को आपके लेवल पर सॉल्व करता है और इडियम्स को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि वीडियो देखने से ही इडियम्स मेमोरी में फिट हो जाते हैं। सो शुरू करते हैं आज का लेसन जहां हम फाइव इंटरेस्टिंग इडियम्स लर्न करने वाले हैं। हियर वी आर, दीज आर फाइव इडियम्स। नंबर वन, अ बुजम फ्रेंड। नंबर टू, by hook or by crook. Number three, cat and dog life. Number four, devil's advocate. And number five, every cloud has a silver lining. Before explaining one by one, आप एक छोटा सा वर्क कर लें पहले। वीडियो पॉज करके idioms को कई बार पढ़ लें and इस lesson के five idioms कौन कौन से हैं memory में fix कर लें। देन वीडियो देखने के बाद मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विथ नंबर वन। नंबर वन, अ बुजम फ्रेंड, एंड द मीनिंग इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मीन्स अ बुजम फ्रेंड की मीनिंग है जिगरी दोस्त। यस, हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं बट एक या कुछ बहुत क्लोज मीन्स करीब होते हैं, जिन्हें हमेशा हम अपने गले से या अपनी छाती से लगाए फिरते हैं। एंड बुजम मीन्स होता है छाती। सो बुजम फ्रेंड मीन्स जिगरी दोस्त। लुक एट दिस इमेज, टू फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज हैं मीन्स बुजम फ्रेंड हैं। यूज इन अ सेंटेंस, राम एंड श्याम आर बुजम फ्रेंड्स। सो अ बुजम फ्रेंड मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड। नंबर टू, बाय हुक और बाय क्रुक। मीनिंग इज बाय एनी मेथड पॉसिबल। अर्थात बाय हुक और बाय क्रुक एडियम की मीनिंग जैसे भी संभव हो। लुक एट दिस इमेज, यहाँ दो रास्ते हैं, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी, ईमानदारी और बेईमानी के। सो बाय हुक और बाय क्रुक एडियम इन दोनों रास्तों को यूज करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की बात करता है। मीन्स यदि किसी ने कहा कि वो कैसे भी करके इस वस्तु को पा कर रहेगा, चाहे सच बोलकर या झूठ, ईमानदारी से या बेईमानी से, तो वहां इस इडियम बाय हुक और बाय क्रुक का यूज होगा। यूज इन अ सेंटेंस, आई विल गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। मीन्स मैं यह नौकरी पा कर रहूंगा बाय हुक और बाय क्रूक। मीन्स कैसे भी कुछ भी करके, गलत या सही। सो बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स बाय एनी मेथड पॉसिबल। नंबर थ्री, कैट एंड डॉग लाइफ, एंड द मीनिंग इज लाइफ फुल ऑफ फाइट, आर्ग्यू एंड डिसएग्रीमेंट। मीन्स कैट एंड डॉग लाइफ इडियम का अर्थ है झगड़े, असहमति आदि से भरा जीवन। हम सब जानते हैं कि बिल्ली और कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इनका स्वभाव एक दूसरे से केवल लड़ना होता है, पालतुओं को छोड़कर। तो इसी प्रकार जो दो व्यक्ति का केवल झगड़े और विवाद का संबंध हो, दोनों की बनती नहीं हो आपस में, उनके लिए ईडियम कैट एंड डॉग लाइफ का प्रयोग होगा। इमेज देखिए, कुत्ता बिल्ली आपस में लड़ने को तैयार हैं। सो जिन भी व्यक्ति की आपस में बात बात पर लड़ाई बहस हो, उनका जीवन कैट एंड डॉग लाइफ इडियम कहलाएगा। यूज इन अ सेंटेंस है, दे लीड द लाइफ ऑफ अ कैट एंड डॉग, येट दे लिव टुगेदर। मीन्स वो दोनों लाइफ ऑफ अ कैट एंड डॉग मीन्स आपस में केवल लड़ते हैं, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। सो कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स
Life full of fight, argue and disagreement. Number 4, devil's advocate. The meaning is to present a counter opposite argument. Means idiom devil's advocate ka arth hai विपक्ष बनकर आर्ग्यू करना, मीन्स बहस या डिबेट करना. लुक एट दिस इमेज. 6 लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं. यह 6 लोग एक ही टीम के हैं, बट ये जिस टॉपिक पर डिबेट करेंगे उसकी प्रैक्टिस के लिए 3-3 में बट कर तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब इनकी टीम दूसरी 6 लोगों की टीम से डिबेट करे तो ये हर तरह से तैयार रहें. सो ये आपस में अपने टॉपिक पर अग्री हैं, बट यहाँ यह 2 टीम बनकर प्रैक्टिस में 3 अग्री और 3 डिसअग्री होकर डिबेट कर रहे हैं. सो इसी तरह जब आप अग्री करते हुए भी प्रिटेंड करते हो डिसअग्री होना, तो इसे डेविल्स एडवोकेट, शैतान का वकील कहते हैं. इसे ऐसे भी समझिए कि आप और आपके बुज़म फ्रेंड ने एक प्लान बनाया, बट आप उस पर बार बार ऐसे प्रश्न कर रहे हो जिसकी आशंका हो कि यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा. फिर आपका फ्रेंड बोलेगा हम ऐसा उत्तर देंगे, तो इस समय आप ही डेविल्स एडवोकेट हो जो अपने प्लान को प्रश्न उत्तर के माध्यम से परख रहे हो कि यह सॉलिड हो और फेल ना हो और आप दोनों प्लान में सक्सेस हो. यूज इन अ सेंटेंस. द प्लान इज गुड बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट so that we know what the opposition can say. Means plan अच्छा है, लेकिन मैं devil's advocate जैसे सवाल करूँगा ताकि हम जान सकें कि हमारे plan के विरोध में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं. Okay? So devil's advocate means to present a counter opposite argument. Number 5, every cloud has a silver lining and the meaning is every difficult or unpleasant situation has some advantage. अर्थात every cloud has a silver lining means हर कठिन और दुखदायी समय में भी कुछ advantage, लाभ होते हैं. Look at this image. काले बादल के पीछे से सफेद चांदी जैसी रोशनी दिख रही है. Means यदि काले बादल दुख हैं तो पीछे की रोशनी सुख बनकर आ रही है. So, इस idiom से ये समझ आता है कि दुख का समय हमें बहुत कुछ सिखाता है. तो जो बातें हम दुख के समय सीखते हैं वह इस दुख में मिला लाभ होता है. तो केवल दुख से हानि नहीं, हमें लाभ भी मिलता है. एंड सेकेंड कि दुख हमेशा नहीं होता, वो बीत जाता है. बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स काले दुख के बादल के पीछे सुख भी आता है जो दुख के बादल छट जाने पर मिलते हैं. यूज इन अ सेंटेंस. यू हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस इन दिस डिफिकल्ट टाइम बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स तुमने इस कठिन समय में भी अनुभव प्राप्त किए हैं, क्योंकि बुरे समय का भी एक लाभ है. सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स एवरी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज सम एडवांटेज. सो ये थे 5 idioms. नाउ अ लिटिल टाइम फॉर revision. दिस इज मैच द कॉलम्स. नंबर 1, अ बुजम फ्रेंड. 2, बाय हुक और बाय क्रुक. 3, कैट एंड डॉग लाइफ. 4, डेविल्स एडवोकेट. एंड 5, एवरी क्लाउड हैज अ silver lining, then related images, and then option A, to present a counter opposite argument. B, every difficult situation has some advantage. C, by any method possible. D, life full of fight and argue. And E, a very close friend. So this is the meaning of given idioms. So now match it. I will show you the answers by arrow matching. Please look at very carefully.
So we have done here. I hope you like this lesson. Thank you so much for watching. For more lessons, please watch other videos. Links description में दिए गए हैं. Screen पर playlist है. Please click on it. And please like, share, comment and subscribe. Easy and effective English.